अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू एनीस व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एनीस व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मेरे साथ ये प्यारे प्यारे से बच्चा पार्टी, तो बच्चा पार्टी। हाँ, ये सबसे छोटा लेकिन बहुत ही नॉटी सा बच्चा है। ठीक है, और इस ठीक है। अच्छा, रोजे के तो आप लोगों ने क्या क्या शॉपिंग की वो बताओ। मैंने अपने लिए, अच्छा किस किसने कमीज शलवार जो है खरीदा है? और ईद की नमाज पढ़ने कौन कौन जाएगा? फातिमा, आप जाओगे ईद की नमाज पढ़ने? हाँ, कहाँ जाओगे नमाज पढ़ने? चलो ठीक है। अच्छा, हाथ नीचे रखो। तो आप लोग कुछ कहना चाहते हो? मेरे ब्लॉग देखते हो? यस। कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे। अच्छा, सबसे अच्छा क्या लगता है? एनी किचन। ठीक है, तो ये प्यारे प्यारे से बच्चे कह रहे थे कि हमें कुछ सुनाना है, तो मैंने कहा चलो व्लॉग में ऐड करते हैं आप लोगों को भी, और जो आप लोग सुनाना चाहते हो वो भी आप लोग सुना लो। तो चलिए सुनते हैं क्या सुनाना चाह रहे हैं। अजान की आवाज आती है, जिल में उतरती जाती है, मिस्र मौज़िम रोजाना मस्जिद हमको बुलाती है, मस्जिद अल्लाह का घर है, सारे घरों से बेहतर है। तो अब हम चाहते हैं इन बच्चों से इजाज़त, अब खुदा हाफिज़ करेंगे। तो आप लोग कुछ कहना चाहते हो लास्ट में? Yes. क्या कहना चाहते हो? एनीस किचन को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बहुत सारा शेयर करो। बाय 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 बाय, माफ करो। तो सिप्ते हसन का एक टैलेंट है जो मैं आपको दिखाती हूँ। सिप्ते हसन दिखाओ अपना टैलेंट। सकलैन सकलैन, ये देखें, ये करीब से दिखते हैं, करो सही से ज़रा अच्छे से। ज़बरदस्त। तो इस वक्त इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है, और आज की इफ्तारी क्या है और हमने क्या क्या बनाया, आज की क्या क्या डिशेस हैं हमारे आज की इफ्तार के दस्तरखान पर, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए देखते हैं। वो अज़ान का वक्त होने को है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी जो इफ्तारी की है वो बिल्कुल कम्प्लीट हो चुकी है। ठीक है, आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रोज़े बहुत अच्छे से जा रहे हैं, बिल्कुल भी वक्त का पता नहीं चलता, और थोड़ा बहुत इशू जो वो गैस का है तो वो भी इंशाल्लाह, जैसे बिजली का मसला था ये भी सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर सिलेंडर मौजूद है। ठीक, तो इस वक्त की जो हमारी इफ्तारी है बहुत ही सिंपल सी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार थी, जिसमें हमने पकौड़े बनाए थे, साथ ही हमने बनाए थे दही बड़े, और ये नमकीन है, और इस फ्रूट चाट में चीनी का इस्तेमाल नहीं किया गया है क्योंकि मेरी अम्मी डायबिटिक पेशेंट है तो उनके लिए हमने अलग से निकाल लिया, साथ ही सेवैयाँ और फ्रूट चाट तो है ही है। ठीक, और दूसरा आज मैंने जो है साथ में शोरबे वाला सालन बनाया था। काफ़ी दिनों से हम फ्राइड आइटम खा रहे हैं और बहुत ही ऑयली ऑयली सा हो रहा है, तो मेरा आज दिल किया कि क्यों ना शोरबे वाला सालन बनाया जाए। तो मैंने लौकी और चिकन का सालन बनाया था और साथ ही बच्चों के लिए चिकन फ्राई की थी, तो तकरीबन 2 से 3 मिनट में चिकन फ्राई होकर मैं निकाल दूँगी, और साथ ही प्लेन जो है बॉयल राइस बनाए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आज का जो दस्तरखान है इफ्तारी का आपको अच्छा लगा होगा। तो अब हम जो है अपना रोज़ा खोलेंगे और इफ्तारी करेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी मिला होगा कि फ्राइड आइटम के साथ हमें कभी कभी शोरबे वाला सालन और चावल बनाना चाहिए। इससे एक तो ये होता है कि दस्तरखान में जो है वैरायटी आ जाती है, और खाने में भी और डाइजेस्ट करने में भी ये खाने इजी होते हैं। तो ये है आज की हमारी इफ्तारी। दुआ करते हैं कि पाक परवरदिगार हमारे खानों में हमारे रिस्क में खूब खैर बरकत इनायत अता फरमाए, आमीन। तो खैर, नमाज से फारिग हो जाने के बाद, कुरान पढ़ लेने के बाद इस वक्त मैंने बनाई एक कप चाय, क्योंकि चाय बहुत ज़रूरी है, चाय के बगैर बड़ा मुश्किल हो जाता है आगे का टाइम गुजारना। तो खैर, चाय भी साथ साथ पियेंगे, और ये कपड़े मौजूद हैं यहाँ पर प्रेस करने के लिए, आयरन करने के लिए, तो अब इसे आयरन करेंगे। और आयरन करने के बाद मैं क्या करूँगी, आयरन कर लेने के बाद मैं अब फारिग हो जाऊँगी, फिर मैं रेस्ट करूँगी और फिर सहरी की तैयारी की तरफ बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी आज के दिन की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि ये रूटीन, ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और मैंने अपनी तरफ से 110% कोशिश की कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। बिल्कुल नहीं हूँ तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए, थोड़ी बहुत गलती निकले, तो अवॉइड कीजिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। अब चाहती हूँ आपसे इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।
बाय बाय। करो क्या करी, करो या ये मैं हूँ, ये हमारी पप्पा है और मैं इनको अपनी बदबू सुनवा रही हूँ। अभी आप उसको ब्यूटी बता लो।